नमस्कार। आज हमारे साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सभी प्रोफेसर साथ बैठे हैं, जिनका 21 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। जो ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था, और आज की डेट में जो गाड़ियों में ECM और डायग्नोस्टिक का सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को अपने आप को अपडेट करने, लेटेस्ट चीज़ों के साथ काम करने के लिए सारी फैकल्टीज़ हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। आज इनका 21 डेज कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट अनुभव कैसा रहा हमारे यहाँ ट्रेनिंग का, कितना हम दे पाए ज्ञान, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्ञानी हैं और ज्ञान बांटते हैं, और उनको यदि हम थोड़ा बहुत सिखा पाएँ तो हमें अच्छा लगा कि हम कुछ उनको ट्रेनिंग दे पाएँ। तो शुरुआत करते हैं केवल सर से, और केवल सर को आपने एक हमारे सेमिनार में भी देखा ही होगा, तो केवल सर कैसा रहा आपका सारी चीजें? अनुभव 21 दिन के ट्रेनिंग का बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे अभी जो ऑटोमोबाइल में लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, पूरी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे कन्वर्ट हो रही है, तो उनका हार्ड है ECU, ठीक है। ECU ब्रेन है पूरा व्हीकल का, और ECU के बारे में ही हमने ये 21 दिन में ट्रेनिंग लिया है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया है उसमें हमको ECU के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है कि ECU में कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे तरह के फॉल्ट आ सकते हैं, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं, और उसको कैसे रिपेयर भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं उसको, अगर मॉडिफिकेशन करना है ECU में वो भी हो सकता है यहाँ। और यहाँ पे हमने ट्रेनिंग के दौरान देखा और बच्चों को, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग और 2-व्हीलर 4-व्हीलर पे ट्रेनिंग ले रहे थे, और बहुत डिटेल में, बहुत माइन्यूट चीज पे फोकस करके उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। हर एक व्हीकल का पूरा लेआउट अलग से बना के, उसमें कौन सी तार कौन सी कलर की होती है, वो कंपनी वाइज अलग अलग कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल, वो सारी इन डेप्थ ट्रेनिंग दे रहे थे। वो भी हमने सेशंस थोड़े अटेंड किए थे, उसमें भी बहुत सीखने को मिला है हमको। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके नाम के साथ थोड़ा सा बता दें आप किस जगह से हैं, आपकी पोजीशन का, और किस कॉलेज या ITI में हैं? मैं केवल पटेल हूँ, लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबावाड़ी। 8 सालों से मैं एज अ लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसके पहले 7 साल मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंडस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, मतलब करीब 15 साल का सर को अनुभव है। और आप आज ECM और प्रोग्रामिंग, खास करके डायग्नोस करना, उनका आपने यहाँ 21 दिन आनंद लिया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। सर से भी बात करूँगा, विशाल सर से। मेरा नाम विशाल पटेल, मैं टोटल 21 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जिसमें से 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ओके। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबावाड़ी, यहाँ मैं 2014 से हूँ जी, और उससे पहले अमरेली था। मेरा जो अनुभव था अभी तक का, कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कन्वेंशनल मेथड से सभी मैकेनिक काम करते थे जी, लेकिन जब से BS6 आया है तब से सभी गाड़ियों में ECU और ECM ये प्रॉब्लम काफ़ी ध्यान में आए, और कई मॉडल्स 2-व्हील हो या 4-व्हील हो, कई मॉडल्स में ऐसा नज़र में आया है कि टेक्निकली ECU में प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ना कि इंजन और दूसरे कंपोनेंट में। तो ये ECU का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपीरियंस इंसान आदमी चाहिए, जो हम ये प्रोग्रामिंग और ये जो रिपेयर वर्क कर सके। जो अभी हम मार्केट में देख रहे हैं लोकल गैरेजेस, उसमें ये लैगिंग है, तो ये हमें नहीं मिलता है। तो ये बहुत कम टेक्नीशियंस और सब इंजीनियर्स को पता है कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये हमने जो हमारी 21 दिन की ट्रेनिंग थी उसमें हमने ये सीखा कि ये कैसे कर सकते हैं ECU का प्रोग्रामिंग, कोडिंग, उसको रिपेयर और उसका फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब हमने जाना। तो हम टेक्नोलॉजी से अपडेट हुए, क्योंकि एज एन एकेडमिशियन वी हैव टू गाइड अवर स्टूडेंट्स कि हाउ टू टैकल विद दिस न्यू लेटेस्ट प्रॉब्लम्स। राइट, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपने दी सर हमको एक अपॉर्चुनिटी कि नहीं हम ट्रेनिंग देते हैं, कैसा मतलब हमारा जो सिखाने का तरीका या हमारा कैरिकुलम या
फैकल्टीज आपको कैसे लगे? कि फैकल्टीज बहुत बढ़िया है और ये पूरे 21 दिन में हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला जो हमने पहले कभी जाना भी नहीं था। थैंक यू सो मच। अब मैं भरत भाई से बात करूंगा। कैसा रहा भरत भाई आपका एक्सपीरियंस? पहले तो जस्ट ऑटो सॉल्यूशन का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि 21 दिन की ट्रेनिंग, वो भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ऑटोमोबाइल में इमेज पहले ऐसी थी कि वाइट कॉलर जॉब ऑटोमोबाइल में कहाँ मिलती है और क्या करने से मिलती है, तो पता चलता है कि नट बोल्ट खोलो तो ही अच्छा रेवेन्यू मिलेगा था। लेकिन जस्ट ऑटो सॉल्यूशन में आने के बाद पता चला है कि एक प्रोफेशनल वे है, जो हम लोग बोलते हैं वाइट कॉलर, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को ECM की मदद से, तो ये यहाँ पे आके सीखने को मिला है। 10th pass 12th pass डिप्लोमा डिग्री MTech होल्डर्स, यानी कि हम लोग जैसे प्रोफेसर्स भी है, ये लोग ये ट्रेनिंग के लिए हमने ये प्लेस आइडेंटिफाई किया है। क्यों? क्योंकि पता चला कि भाई यहाँ पे टू व्हीलर्स से लेके ट्रक कर तक सबको फॉल्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसको कैसे डिसोल्व करते हैं, उसका एक वर्कशॉप बोले कि कंपनी भी यहाँ से अच्छा विद्यार्थी को अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। तो एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम, यानी कि टू व्हीलर्स का भी प्रॉब्लम है तो उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, फोर व्हीलर्स में प्रॉब्लम है तो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे डायग्नोसिस करके टेस्ट से मार्केट में उसको लाते हैं और उसको कैसे जजमेंट करते हैं, ये पूरा यहाँ पे हमको सीखने को मिला है। तो और मैं भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हूँ, हम लोग का 21 दिन का पूरा ट्रेनिंग यहीं पे हुआ है। हर एक दिन आना, कैसे स्टूडेंट्स के साथ भी बैठना, स्टूडेंट्स जो काम करते हैं यहाँ पे, जो भी लोग वर्कर्स और फैकल्टीज जो काम करते हैं उनके साथ भी हमने काम किया है, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब संजय भाई से, नहीं सॉरी संजय भाई ना, हाँ सॉरी संजय भाई से मैं कहूँगा, संजय भाई का कैसा रहा? और कहाँ से संजय भाई, आप भी पॉलिटेक्निक में ही हैं? हाँ, मैं भी पॉलिटेक्निक हूँ। मैं पॉलिटेक्निक में 2015 से पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं 2009 से 2015 तक भांडू कॉलेज में था। ओके, टोटल 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और लेकिन हमारे यहाँ तो 21 दिन की ट्रेनिंग थी जो मैंने यहाँ जस्ट ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ के फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हैं और एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, जो कहीं लगभग बहुत उसे देखने को मिलता है यहाँ, बहुत बेसिक से और सभी तरह के व्हीकल को पढ़ाते हैं, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या ट्रक हो, सभी में पढ़ाते हैं और सभी का नॉलेज बहुत ही बढ़िया है। और मुझे यहाँ और एक चीज़ यह देखने मिली कि हमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है। ज़्यादातर हम पढ़ने जाते हैं तो या PPT या वीडियो दिखा के पढ़ाते थे, यहाँ पर हमें खुद काम करने को मिला, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिससे हमारा नॉलेज बहुत ही अपग्रेड हुआ है और यहाँ आके बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच सर। सभी लोग यहाँ से सीखे हैं। अभी जैसे अब अपन आपका तो रिव्यू हमको मिला, एक चीज और पूछना चाहूँगा। एक अभी तक का तरीका रहा कि आप 6 महीने, 5 जैसे 3 साल का कोर्स है तो लास्ट के 6 महीने आप किसी कंपनी में चले जाइए, इंटर्नशिप कर लीजिए। हमने चेंज किया कि आप गाड़ी सीखिए, मल्टी ब्रांड सीखिए, किसी भी गाड़ी को काम करना सीखिए। आपको हमारे यहाँ बच्चों में कितना, जितने बाहर से आपने देखे होंगे बच्चे आ रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, कितने बच्चों में आपने एनर्जी देखी कि वो सीखने का आनंद ले रहे हैं? साफ सही कहूँ तो सभी बच्चे मुझे बहुत टैलेंटेड दिखे और सभी बच्चों में एक बात थी कि उनको कुछ नया सीखना है और नया कुछ करना है, तो वो बहुत ही एंथुसियास्म मुझे बच्चों में दिखा कि वो सीख रहे हैं। और एक बात मैंने भी नोटिस की कि हर एक बच्चा अलग से प्रैक्टिकल कर रहा है, अलग से सीख रहा है, ग्रुप में तो सीख रहा है लेकिन खुद से भी सीख रहा है अलग से। हर एक बच्चे के डायग्नोसिस का पूरा टेबल अलग है, वो उसके टूल्स अलग है, तो खुद से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसे नहीं कि ग्रुप में तो करेगा ही लेकिन खुद की भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो सबसे बढ़िया चीज है, तो इसीलिए हम कम टाइम में सिखा पाते हैं। हाँ, और ये है कि 21 की सदी हम लोग जैसे बता रहे कि स्किल की सदी है, जिसको नॉलेज या स्किल जिसकी डेवलप हुई होगी, डिग्री तो अच्छी बात है होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्किल जिसकी होगी वो चाहे ऑटोमोबाइल में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, जो टेस्टिंग हो, डायग्नोसिस में हो, किसी में,
तो ये यहाँ से मिल सकती है ऐसा मुझे लग रहा है, स्किल्स डेवलप हो सकती है, यहाँ से डेवलप हो सकती है। हमने आपने देखा कि राकेश सर हैं हमारे यहाँ, जो टीम है, जो हम जैसे हम तीन लोग बैठे हैं अभी, तो मेघा मैडम भी एज एसोसिएट डीन यूनिवर्सिटी से आई हैं, पहले एनएम में प्रोफेसर थी, तो उनका एजुकेशन का हम फायदा उठा के इसको पूरा यूनिवर्सिटी जैसा बनाने में लगे हुए हैं। राकेश सर एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर हैं, तो बहुत बड़ी पोजीशन से आए हैं, तो वो इसको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से और कैसे बना सकते हैं और फ्यूचर में हम इसको इंडिया का नंबर वन स्किल सेंटर कैसे बनाएं, उसमें लगे हुए हैं। अब तो हमने आपने देखा होगा हमारे सिलेबस भी बने हुए हैं, आवर्स वाइज, टाइम वाइज और क्रेडिट वाइज। अब तो हमने वो क्रेडिट भी डालना चालू कर दिया कि क्रेडिट वाइज बना के हम बच्चों को कैसे दें। एक महीने का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है हमने फुल डे रखते हैं, और आपने देखा होगा कि हमारा हर एक के क्लासरूम अलग है, कोई भी किसी के भी डिस्टर्ब नहीं करता है, हर क्लासरूम अलग, हर सब्जेक्ट अलग, हर जगह अलग, तो उससे एक माहौल बनता है और स्टूडेंट बहुत अच्छे से यहाँ हमारे यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है। हमें प्राउड है कि प्रोफेसर्स हमारे आए हैं, 21 दिन का पूरा ट्रेनिंग लिया है और इन्होंने अपने आप को एक अच्छे स्किल के ऊपर लेके गए हैं, तो अब इनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो आज की डेट के टूलों को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से उन चीज़ों को ध्यान दे पाएंगे और उनका जो मार्गदर्शन है वो बहुत अच्छे से ये लोग कर पाएंगे। तो यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए थैंक यू, और मेगा मैडम से पूछना चाहूँगा कुछ, वो पूछना चाहे तो। बिकॉज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसपे काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट भी काम कर ही रही है, मतलब सिंस बिगनिंग, राइट, ये चीज़ हम कह सकते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है क्योंकि आप देखें कि इसके लेवल के काउंसिल हैं, NSDC है, ऑटोमोटिव के लिए SDC है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही चाह रही है कि स्किल डेवलप हो। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें वहाँ पे भी स्किल्स की बात की हुई है और बहुत सारे स्किल सर्टिफिकेट हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी, तो ये सारा एकेडमिकली थिंग्स चेंज हो रही है। बिकॉज अल्टीमेटली विज़न अगर देखा जाए तो चाहती गवर्नमेंट भी यही चाहती है, सब लोग यही चाहते हैं अर्निंग के लिए, कि टैलेंट बढ़ना चाहिए, लोग स्किल्ड होने चाहिए और उसी से अर्निंग बढ़ेगी। आज इंडियन कहीं दूसरी कंट्री में भी जाता है वो सस्टेन तभी कर पाता है जब वो स्किल्ड हो अपने अपनी फील्ड में। बहुत सारी चीज़ें अब AI से होने लगी है तो बहुत सारे मार्केट में काम नहीं रहेंगे जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड या टाइपिंग से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड है, बट स्किल वाली चीज़ें लाइफ टाइम रहेंगी जब तक कि उसके लिए कोई और अल्टरनेट नहीं आ जाता। इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं जैसे जस्ट ऑटो ऑटोमोटिव में स्किल देता है, आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में इस तरह के स्किल सेंटर के डेवलपमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है और किस लेवल तक यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं? सरकार की जो अभी तक मैंने देखा है कि सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे स्किल अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ उनको पुस्तक ज्ञान जो बोलते हैं वो नहीं, उनके पास टैलेंट भी होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट से सीधा इंडस्ट्री में काम कर सके। अभी जो हम NEP जो सोच रहे हैं तो NEP में यही आने वाला है कि इंस्टीट्यूट से सीधा इंडस्ट्री के साथ हम कैसे लाइजनिंग कर सके और हमारा बच्चा इंडस्ट्री में कैसे दूसरे दिन से ही काम पे लग सके, तो स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, स्किल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी में ये पॉइंट सभी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन का बिल्कुल हर जगह, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा है और मैं क्योंकि लॉ फील्ड में हूँ वहाँ पे भी स्किल्स की बातें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाती है। जहाँ तक गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योर्स बने, जस्ट उस टू भी उसी विजन मिशन से काम करता है, तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं हैंड्स ऑन और उसके बाद हम काफ़ी सारे जो इंटरेस्टेड हैं उनको हम अपने फ्रेंचाइजी में डेवलप करते हैं। जो जहाँ तक फ्रेंचाइजी की बात करें तो वर्कशॉप है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं जस्ट ऑटो के अंडर में, तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। सर यूनिवर्सिटी सिस्टम है बिकॉज आप ऑलरेडी हैं, अभी जो करंट सिनेरियो आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्किल सेंटर की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है अभी तो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो कोर्स है ना वो ऐसे डिज़ाइन हुए हैं कि उनको थ्योरी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 20 घंटे इतना ही मिलता है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लेकिन उसमें
स्किल डेवलप नहीं होती, उसका नॉलेज बढ़ता है टेक्निकल, स्किल डेवलप नहीं होती. स्किल कब डेवलप होती है, वो खुद से वही काम बार बार 10 घंटे 20 घंटे प्रैक्टिस करे तभी उसमें वो स्किल डेवलप होगी. तो स्किल अगर हम अभी देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप पे, हमारे मोबाइल पे है. ठीक है, इंफॉर्मेशन है लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करेंगे, अगर आप में वो स्किल होगी तो ही आप वो इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएंगे. तो अभी नॉलेज का ज़माना गया, अभी क्या ज़माना है, आपका कोई पर्टिकुलर स्किल होना चाहिए तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे. मुझे लगता है कुछ सालों बाद तो ये होगा कि लोग डिग्री कम पूछेंगे, लोग पूछेंगे कितनी चीजें आपको आती है, आती है. हुनर हुनर चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल जरूरी है. सर आप कुछ, मैं तो मेरे जितने भी जो एक मेरी ऑडियंस है, जो मेरे मैकेनिक्स हैं, उनको मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बीच में हमारे पास में कुछ पूरे एसोसिएशंस, मैकेनिक एसोसिएशंस भी यहाँ पे आई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, जिनके 20-20, 25-25, 30-30 साल से गैरेज थे. तो मैंने बोला था कि उस्तादों के उस्ताद सीखने के लिए आए हैं. आज मेरे पास में जो लोग बाग आए हैं ये ट्रेनर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं. तो ये इस जो हमारा एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, अब तक मेरे पास में इनफॉर्मल लोग बहुत सारे आए हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को जो ज्ञान दे रहे हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कॉलेज के माध्यम से, लेकिन इनके उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पे हाथ में हुनर देने की ज़रूरत उन लोगों के लिए भी है. वो जो हुनर है, जो स्किल है, जो प्रैक्टिकल अपने को काम करने की नॉलेज चाहिए, वो जस्ट ऑटो के अंदर में आकर के उन स्टूडेंट्स की पूरी हो सकती है जिसने भी कोई ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग में डिग्री ली हो, डिप्लोमा लिया हो या आईटीआई किया हो. तो अगर वो जस्ट ऑटो में आएगा तो उसकी स्किल डेवलपमेंट काफ़ी प्रैक्टिकल लेवल पे हाई हो जाएगी. तो इसलिए मैं अपने जो जितने भी लोग हैं उनको ये बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला था उस समय उस्तादों के उस्ताद आए, आज ट्रेनरों के ट्रेनर ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं. तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम है और थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है. लेकिन हमारे यहाँ पे हमने कोशिश ये करते हैं कि जो भी प्रैक्टिकल लेवल पे हम ट्रेनिंग दें, जैसे बहुत सी चीज़ें ये जो हैं आपको किताब में नहीं मिलेंगी, तो वो यहाँ पर जैसे ECM की जो ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है या इस तरह की जो ट्रेनिंग ली है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग दे देते हैं. थैंक यू, इसको हम अब यहाँ समाप्त करेंगे. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए. आप सबको भी बोलता हूँ कि यदि आपको अपना स्किल डेवलप करना है तो जस्ट ऑटो हमेशा मैकेनिक्स के लिए नई चीज़ें, नई डिज़ाइन, नए कोर्स और कोर्स में हर बार चेंज करता है लेटेस्ट चीज़ों को लेके. आज हमने अपने आप को उस लेवल पर डेवलप कर रहे हैं कि लोग हमें सराहना करते हैं हमारी और बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं. उसी चीज़ से हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. अपग्रेड सिर्फ स्टूडेंट्स मतलब मैकेनिक को नहीं होना है, अपग्रेड स्टूडेंट्स को भी होना है और सबको, अपग्रेड उनके टीचर्स को भी होना है, अपग्रेड उस्तादों के उस्तादों को भी होना है. नहीं तो आगे की गाड़ियां नहीं कर पाओगे. टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो अपग्रेड होना ही पड़ेगा और उसके लिए थैंक यू वेरी मच.